So hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Infinity Riders, and here we're back with another crazy tutorial. And this video pe aapko hum sikhane wale ki rolling stop bhi kaisa kiya jata hai. So my name is Sheikh Wazid Ali, and if you guys are new to our channel, you know what to do. Jaldi aake subscribe karo with the bell icon so that you don't miss out any of our upcoming videos. And hum log bahut jaldi 900k hone wala hai. So jaldi 1 million subscribers pahunchao. Hum 2 saal pehle how to do rolling stop ka video banaye the, but in this video mein aapko 3 easy steps batane wale rolling stop karne ke liye in any of the breaks you have. So without wasting any further time, let's get into the video. So sabse pehle aapko technical chizo ke bare mein batate hain. Coming to brakes, pehle aapko hum batane wale ki hydraulic brakes mein kaise kiya jata hai. So hydraulic brakes हम प्रेफर करेंगे शिमानो ब्रेक्स ओनली। आप जब भी कोई ब्रेक खरीदिए तो शिमानो का मॉडल नंबर यहाँ पे आता होगा, वो मॉडल नंबर्स आप खरीद सकते हैं। एंड वो ब्रेक्स बहुत अच्छा है रोलिंग स्टॉपिस के लिए। आई वुड नॉट रेकमेंड एनी अदर ब्रेक रादर देन शिमानो। टेक्ट्रो का आता है, बहुत सारे लोकल कंपनीज भी आता है, वो वाला हाइड्रोलिक ब्रेक्स मत खरीदे क्योंकि दैट विल नॉट हेल्प यू इन डूइंग रोलिंग स्टॉपिस। सो द नेक्स्ट टेक्निकल चीज जो आपको बताने वाले की वो रोटर्स। रोटर्स आप जब यूज कर रहे हैं तो रोटर्स ऑलवेज शिमानो रोटर्स यूज कीजिए। जैसे RT56 आता है, RT66 आता है, आप 160mm रोटर्स भी यूज कर सकते हैं एंड 180 रोटर्स भी आप यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच पावर यू वॉन्ट इन द ब्रेक्स। सो अब चलते हैं और एक चीज में जो की है पैड्स। जो ब्रेक पैड्स आता है, ब्रेक पैड्स बहुत रकम का आता है, मेटालिक पैड्स आता है, रेजिन पैड्स आता है। शिमानो प्रोडक्ट्स के लिए ऑलवेज आई विल रेकमेंड रेजिन पैड्स। सो आप रेजिन पैड्स खरीदिए, रेजिन पैड्स बहुत अच्छा होता है एंड बहुत स्मूथ रहता है, आपको रोलिंग स्टॉप में बहुत हेल्प करेगा। मेटालिक पैड्स हम रेकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज मेटालिक पैड्स बहुत आवाज करता है, बहुत रफ है, स्मूथ ब्रेक्स नहीं पकड़ता है। रोलिंग स्टॉप करने से पहले आपको एक चीज ध्यान पर रखना है कि हेलमेट इज अ मस्ट। आप कोई भी ट्रिक कीजिए, चाहे वो व्हीली हो, स्टॉपी हो, रोलिंग स्टॉपी, एनी अदर ट्रिक, प्लीज डू इट विद योर हेलमेट ऑन। रोलिंग स्टॉप आप जब सीखेंगे तो आप बहुत बार गिरेंगे, क्योंकि अगर आप सामने गिरेंगे तो साइकिल आपका ऊपर गिरेगा डायरेक्ट, तो पेग्स रहता है, टायर रहता है, सीट रहता है, लाइक आपको सिर में लग जाएगा। तो फॉर दैट रीजन आप हेलमेट पहन लीजिए ताकि आपको चोट ना लगे। ये ध्यान में रखना है कि हैंडल बार एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। आई वुड रिकमेंड वेक का हैंडल बार्स एंड बहुत सारा राइजर हैंडल बार्स जो आता है वो सब आप यूज कीजिए, क्योंकि हैंडल बार अगर आपका सीधा एंड स्ट्रेट एक अच्छा हैंडल बार नहीं रहेगा देन रोलिंग स्टॉप में आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। आई वुड रिकमेंड 750 और 760 mm हैंडल बार्स। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप अपना हैंड रिस्ट कैसे प्लेस करते हैं हैंडल बार पे। जब आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे रोलिंग मारते होंगे तो ऑलवेज यूज वन फिंगर ऑन द ब्रेक्स। आप अगर दोनों फिंगर यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइड्रोलिक ब्रेक्स से तो आपको पलटा भी सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो सकता है। तो फॉर दैट रीजन आई वुड रेकमेंड ओनली वन फिंगर ऑन द ब्रेक्स जब आप रोलिंग स्टॉप मार रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स अगर ज्यादा टाइट रहा देन आपको गिरा देगा एंड ब्रेक्स अगर ज्यादा ढीला रहा देन आपका स्टॉप ही पहले बात उठेगा ही नहीं। तो आपको वो रीजन के लिए आपको ब्रेक्स एकदम मॉडरेट रखना है, एकदम बीच में रखना है, जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको ब्रेक ढीला टाइट करके आपको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा जो आपको सूटेबल है रोलिंग स्टॉपी उठाने के लिए। जब आप रोलिंग स्टॉपी उठा रहे हैं आपका हैंड बेंड नहीं होना चाहिए रोलिंग स्टॉपी में, हैंड ऑलवेज सीधा रहना चाहिए रोलिंग स्टॉपी में, क्योंकि जितना आप फोर्स एकदम सही से सीधा रख के लेके जाएंगे उतना बेटर है आपको रोलिंग स्टॉपी कंटिन्यू करने में। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड लुक इनटू दिस। सो और एक चीज आपको ध्यान पे रखना है, जब आप रोलिंग स्टॉपी मार रहे हैं बहुत लोगों को देखे कि खड़ा होकर रोलिंग स्टॉपी करता है, ये कैसा टेक्निक है? खड़ा होकर रोलिंग स्टॉपी इज नॉट एट ऑल अ गुड टेक्निक टू डू। रोलिंग स्टॉपी बैठ के आपको सही से बैलेंस मिलेगा, खड़ा होकर एकदम रोलिंग स्टॉपी नहीं करना पड़ता है। सो रोलिंग स्टॉपी क्या है? रोलिंग स्टॉपी एक ऐसा ट्रिक है कि आपको मोशन के साथ स्टॉपी लेके जाना है। स्टॉपी उठाते ही आपको ब्रेक पकड़ के नहीं रखना है, अगर आप ब्रेक पकड़ के रहेंगे तो एकदम पलटा के आप गिर जाएंगे डायरेक्ट मुकबल, तो वो आपको अवॉइड करना है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मेन टेक्निक जो आपको रोलिंग स्टॉपी कैसे लेके जाना है। रोलिंग स्टॉपी क्या है? रोलिंग स्टॉपी ऐसा ट्रिक है कि आपको मोशन पे स्टॉपी को उठा के आपको लेके जाना पड़ता है। सो वो मोशन मेंटेन करने के लिए आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपको ब्रेक पकड़ के छोड़ना है, पकड़ के छोड़ना है। जैसे विली का टेक्निक्स होता है वैसे ही आपको स्टॉपी में भी अप्लाई करना है, बट इट्स ऑपोजिट। अगर आप विली का ट्यूटोरियल नहीं देखे तो जल्दी आके कार्ड में देख लेना, लिंक आता होगा। रोलिंग स्टॉपी में आपको ब्रेक छोड़ना पड़ेगा जब आपका पीछे चक्का का हाइट ज्यादा हो जाता होगा एंड आपको ब्रेक मारना होगा जब आप रोलिंग स्टॉपी का हाइट कम होता होगा। इसको ब्रेक क्लिपिंग बोलता है, जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है आपको वैसे ही ब्रेक क्लिपिंग करके आपको रोलिंग स्टॉपी आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर है, आप सीख रहे, लो स्पीड में कीजिए, ज्यादा स्पीड में रोलिंग स्टॉपी ट्राई मत कीजिए, बिकॉज अगर ज्यादा स्पीड में एक बार में रोलिंग स्टॉपी ट्राई करेंगे तो बस सिर विर फूटेगा, हाथ में टूटेगा। अगर आप लो स्पीड में करेंगे देन आपका सीखने का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। थोड़ा स्पीड में जाके आपको रोलिंग स्टॉपी का पहले टेक्निक समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है टारगेट्स, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा अपने लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर 1 मीटर रोलिंग स्टॉपी लेके जा पा रहे हैं तो आप अपना टारगेट तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको 1 मीटर है, अभी आपको 2 मीटर लेके जाना है, तो आप वैसे करके अपना टारगेट सेट कीजिए। हम लोग भी ऐसे ही सीखे हैं, आपको जैसे लगता होगा कि हम लोग एक बार में इतना लंबा रोलिंग स्टॉपी सीख गए, ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग मास्टर नहीं कर पाए रोलिंग स्टॉपी। बहुत लोग होता है कि बहुत मास्टर कर चुके होते हैं कि विदाउट ब्रेक रोलिंग स्टॉपी लेके जाता है, बट हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग बहुत सारा ट्रिक्स एक साथ करते हैं, हम लोग का फील्ड इज डिफरेंट, तो इसलिए हम लोग को रोलिंग स्टॉपी ब्रेक के ऊपर ही करना पड़ता है। और एक चीज हम जो नोटिस किए बहुत राइडर्स में से जो करता है कि रोलिंग स्टॉपी मारते वक्त हम लोग नीचे देख के रोलिंग स्टॉपी मारता है। रोलिंग स्टॉपी आप जो मार रहे हो आप स्ट्रेट देख के आपको टारगेट देखना है कि आप कहां जा रहे हो लेके, वो तभी तो टारगेट टूटेगा। आप नीचे देख के टारगेट करोगे क्या? आप टारगेट क्या कर रहे हो भाई? सीधा देखना है आपको, सीधा देख के आपको टारगेट देखना है, उसको पूरा करना है, समझे? तो डोंट एवर डू दैट। सब चलते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स पे। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स अगर आपका लगा हुआ है तो उसमें रोलिंग स्टॉपिस पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स में फिर भी रोलिंग लेके जा रहे हैं तो उसका लिमिट उतना तक ही है, उससे ज्यादा लॉन्ग रोलिंग स्टॉपी नहीं मार सकते उसमें। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक सेटिंग का वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, आपको हम समझा देंगे क्यों उसमें रोलिंग स्टॉपी पॉसिबल नहीं है। अभी चलते हैं वी ब्रेक्स पे। खुद हम रोलिंग स्टॉपी वी ब्रेक में मारते थे पहले, बहुत लॉन्ग मारते थे, बट वी ब्रेक में एक प्रॉब्लम है कि आपका रिम एकदम स्ट्रेट होना चाहिए एंड हम लोग तो स्टंट राइडिंग करते हैं तो रिम उतना स्ट्रेट कभी होता नहीं है। सो इसीलिए स्लाइटेस्ट टाल रिम पे रोलिंग स्टॉपी में एकदम हेल्प
हेल्प नहीं करेगा, आपको गिरा देगा, पलटा देगा। एंड वी ब्रेक सेटिंग का ट्यूटोरियल का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो जल्दी आके देख लेना, कार्ड में लिंक आता होगा। बहुत पुराना वीडियो है, हम कैसे दिख रहे थे उस वक्त, आपको जितना नॉलेज है वहां से मिल जाएगा। एक बात याद रखना कि रोलिंग स्टॉपी का टेक्निक्स कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी ब्रेक यूज करें। सो फॉर दैट रीजन जो टेक्निक्स आपको ये वीडियो पे बोला गया है वही टेक्निक्स यूज करना, जितने जल्दी हो सके हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे शिफ्ट करो, चीपेस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये पूरा वीडियो का जो की है प्रैक्टिस। अगर आप सोचेंगे कि आप घर बैठे बैठे सिर्फ वीडियो देखोगे या स्क्रॉल करके दूसरा वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उठ के बाइक लेके बाहर जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक दिन दो दिन में नहीं होने वाला या एक हफ्ता में होने वाला है, हम लोग को कितना साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, हम लोग अभी तक मास्टर नहीं कर पाए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सो आप जब रोलिंग स्टॉप अच्छे से इंप्रूव कर चुके होंगे तो आप बहुत सारा वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 360 कैंगरू हो, जी टर्न हो, हाई चेस्ट स्टॉपीज, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस यू कैन ट्राई व्हाइल डूइंग अ रोलिंग स्टॉपी। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्प मिला हो तो जल्दी आके सब्सक्राइब विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, हैक्स और व्लॉग्स। अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है तो जल्दी आके कमेंट डाउन बिलो, वी रिप्लाई टू एवरीबॉडी आउट देयर। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा हम लोग हेल्प करेंगे आपको। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछना है तो जल्दी आके इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप वहां पे हमको पूछ सकते हैं, वाज देम टू फ्री स्टाइल कहीं पे भी आता होगा। अच्छा हाँ अभिषेक, जल्दी आओ यहाँ पे, जल्दी आओ। सो बिहाइंड आवर कैमरा ये शूट करता है हम लोग का हर वीडियो, तो जल्दी आके इसको फॉलो कर लेना, यहाँ पे लिंक आता होगा, देख लेना एकदम unbelievable.jpg। इतना भी हम लोग का देखते हो वीडियोस फोटोज सब यही उठाता है। एंड और एक सरप्राइज बहुत जल्दी आने वाला है ये महीना और मे बी मार्च का बिगिनिंग में। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बोल भी तो आईपी बोल भी। सो गाइस सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, पीस आउट पीस आउट पीस आउट।